ये तो हमें बचपन से ही साइंस में सिखाया जाता है कि हमारी बॉडी में ऑर्गन्स क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स का क्या क्या काम है। कुछ ऑर्गन्स बहुत ज़रूरी होते हैं जैसे दिल, दिमाग। कुछ ऑर्गन्स को इंसान इतना ज़रूरी नहीं समझता है, जिसमें है किडनी। किडनी को दरकिनार रख देते हैं, किडनी की बीमारी को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि बड़ी बात यह है कि किडनी में कोई सिम्टम नहीं होता। अगर किडनी की बीमारी आपको होने वाली होती है, कोई रीनल डिजीज़ आपको होने वाली होती है, तो इसकी सबसे दुखद बात यह है कि यह आपको कोई अलार्म नहीं देती, यानी कि इसका कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं दिखता है। आप देख रहे हैं द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो, मैं हूँ आपके साथ यासिर मसरूर। आज है 12 मार्च, 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी पे हम एपिसोड आपके लिए लाए हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस आपके लिए हम पैदा कर रहे हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि किडनी से रिलेटेड क्या क्या बीमारी हो सकती है, और अगर आपकी किडनी, खुदा ना खास्ता आपकी किडनी अगर फेलियर हो गई है, तो तब आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, और अगर अलार्म यानी घंटी बज चुकी है, वो क्या घंटी होगी, वो क्या अलामतें होंगी, वो कैसे सिम्टम्स होंगे जिससे आप समझेंगे कि आपकी किडनी ख़राब हो रही है, यानी कि क्रोनिक किडनी डिसीज़ आपको होने वाली है या हो गई है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब। दुनिया के हर 10वें इंसान में से एक इंसान किडनी का मरीज है। जी हाँ, ये सोच के आपको असंभव लग रहा होगा, ये सोच के आपको हैरानी हो रही होगी, ऐसा कैसा हो सकता है, बट ये रिसर्च है, ये डेटा है, इंटरनेशनली डेटा है कि हर 10वें इंसान में से एक इंसान किडनी का मरीज है। और किडनी का मरीज के लिए सबसे दुखद बात यह है कि जब उसकी 90% मतलब कि 90% किडनी खराब हो जाती है, उसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी किडनी खराब है। तो इसके सिम्टम्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उसके साथ साथ प्रिवेंशन के बारे में आपको बता रहे हैं, और क्या क्या आपको ज़रूरी प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, इन सब की जानकारी आज आपको मिलेगी वर्ल्ड किडनी डे पर। कि किन लोगों को किडनी फेल्योर का खतरा ज़्यादा है या किन लोगों पर किडनी फेल्योर का खतरा मंडला रहा है, इसमें डायबिटिक लोग, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी यानी कि हद से ज़्यादा मोटापन होना, या फिर चेन स्मोकर्स, इनको डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा रहता है। हालांकि फैमिली जो चेन होती है, जो कि फैमिली हिस्ट्री होती है कि आपसे पहले आपके बाप दादाओं को अगर किडनी की प्रॉब्लम है, तो इसमें भी चांसेस हो सकते हैं कि आपको किडनी प्रॉब्लम हो जाए। या कभी कभी लोगों को स्टोन होता है किडनी में, तो किडनी में स्टोन होता है तो वो भी आपको किडनी फेल्योर की तरफ ले जा सकता है। हालांकि डायबिटिक लोगों में चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जैसे मैंने बताया कि ब्लड जो आपको मैंने बताया, ब्लड प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, ब्लड प्रेशर ज़्यादा या कम होने से भी ये चांसेस बढ़ सकते हैं किडनी फेल्योर के। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि 90% सिम्टम्स आपको नहीं देता है किडनी फेल्योर होने से पहले, इसलिए इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। तो अगर आप हाई रिस्क फैक्टर्स में आते हैं, जिन चीज़ों की मैंने आपको बताया, तो रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट आपके लिए ज़रूरी है। साथ में सिंपल किडनी टेस्ट होते हैं, KFT और RFT, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं कि आप रेगुलर चेकअप्स कराते रहें। हालांकि एडवांस किडनी सिम्टम्स में सिम्टम्स होते हैं, जिसमें आपको अगर हद से ज़्यादा थकान हो रही है, अगर यूरिनेशन ठीक से नहीं हो रहा है, ठीक से आप पेशाब आपको नहीं आ रहा है, या पेशाब करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। हालांकि सूजन भी आ जाती है, पैरों में सूजन अगर आपको महसूस हो रही है, तो ये भी इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे जिक्र अपनी वीडियो के स्टार्टिंग से कर रहा हूँ कि 90% केसेस में ऐसा नहीं भी होता है, तब भी किडनी फेल्योर हो जाती है। लेकिन इसकी मोटी मोटी चीज़ें यही हैं, अगर जल्दी थकान हो रही है, अगर यूरिन पास नहीं हो रहा है, अगर यूरिन पास होने में तकलीफ़ हो रही है, या फिर यूरिन में आपको ब्लड आ रहा है, तो भी ये इसके सिम्टम्स होते हैं।
सुनी होगी या डॉक्टर्स को कहते हुए सुना होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसलिए प्रिवेंशन लेने की क्या क्या जरूरत है वो जिक्र मैं आपको बता देता हूँ। वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करना तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जितना आपसे हो सके पानी पीजिए, ड्रिंकिंग वाटर बहुत ज़रूरी है। जितना आप पानी पियेंगे आपकी किडनी का फिल्ट्रेशन जो है वो होता रहेगा। इसमें दूसरी चीज़ आती है कि आप प्रोटीन उतना ही लें जितना आपकी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है। ज़्यादा प्रोटीन लेने से भी आपको दिक्कत आ सकती है। मैं जिक्र कर रहा हूँ उन लोगों का, मैं उन लोगों के बारे में ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ जो लोग प्रोटीन्स के लिए पाउडर लेते हैं या कोई और सप्लीमेंट लेते हैं। तो उन सप्लीमेंट से बहुत से केसेस आए हैं जिसमें सप्लीमेंट्स या पाउडर लेने की वजह से उनकी किडनी ख़राब हो गई है। ये बुरी तरीके से आपकी किडनी पे इफ़ेक्ट कर सकती है। तो आप उतना ही प्रोटीन लें जितना प्रोटीन आपकी बॉडी को ज़रूरी है। तीसरी सबसे अहम प्रिकॉशन है वो ये कि आप पेन किलर्स ना खाएं, मतलब कि आप ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करने से आप बचें। और इसी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ छुपी है, वो ये कि आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस के कोई भी दवाई स्टोर से ना लें। बहुत से लोग आपको दवाई बताते हैं, आप डायरेक्ट वो स्टोर से जाके ले लेते हैं, ये आपके लिए बहुत ख़तरे की बात है। तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन प्लीज़ डोंट बाय एनीथिंग फ्रॉम मेडिकल स्टोर और फ्रॉम बाय केमिस्ट। ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि हाई डोज आपकी किडनी पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है। जी हाँ, कुछ ही घंटों में ये आपकी किडनी को पूरी तरीके से ख़राब कर सकती है। उसके साथ साथ प्रिकॉशन में अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है जैसे मैंने जिक्र किया, और अगर आप अपना शुगर लेवल भी मेंटेन रखें। ये मेंटेन कैसे रखेंगे, जब आप रेगुलर इसको मॉनिटरिंग कराएंगे। इसके साथ साथ कुछ टेस्ट होते हैं, अगर आप सिर्फ दो टेस्ट करा लेंगे तो दो टेस्ट में आप काफ़ी चीज़ें कवर कर सकते हैं। एक यूरिन टेस्ट में आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा अपनी किडनी रिलेटेड बीमारी से, और दूसरा टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट जो कि आम इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसमें आपको क्रिएटिनिन लेवल पता चल जाएगा। आपकी बॉडी का क्रिएटिनिन जो है 1.3 या 1.5 के आसपास रहना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर बढ़ रहा है तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। तो आपकी हेल्थ से रिलेटेड आज मैंने आपको कुछ बताया किडनी के बारे में। हालांकि प्रोफेशनल राय आपके लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कुछ ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई जो एक जनरली, जैसे हम जानते हैं कि मामूली जाड़े बुखार में या किसी भी चीज़ में हम क्या चीज़ लें क्या चीज़ ना लें, डॉक्टर को दिखाएँ ना दिखाएँ, बहुत सी चीज़ें हम खुद जानते हैं। तो हमें ये ज़रूरत है कि हम किडनी के बारे में भी जानकारी रखें, किडनी से जुड़ी संबंधित जानकारियाँ भी हम रखें, क्योंकि ये हमारी बॉडी का एक अहम हिस्सा है जिसे। तो किडनी के लिए भी आप जागरूक रहें। आज वर्ल्ड किडनी डे है। मैं यासिन मसूर आपसे लेता हूँ अलविदा। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। जय हिंद।